हम बात करने वाले कि आप कैसे आपके लैपटॉप में जो टेक्स्ट की और जो फॉन्ट की साइज़ होती है ना उसे चेंज कर सकते हैं यानी कि ये आप देख सकते हो जो भी ऐप्स है ना उन सभी के जो आइकॉन्स हैं उन्हें बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं या फिर उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उन्हें बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं yeah. गाइस देखो अगर आपको भी ये जो टेक्स्ट और फॉन्ट है ना उसकी साइज यानी कि जो टेक्स्ट है और जो है सा उनकी साइज चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बता मत उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे नीचे की तरफ यहां पर आपको एक स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको सिंपली ये जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा जो आइकॉन है वो ओपन हो चुका है बहुत बड़ा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सिम्पली जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो जो हमारी लैपटॉप की जितनी भी सेटिंग्स है ना वो सभी की सभी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का ये आप देख सकते हो आपको सिर्फ ये जो सिस्टम का ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करना है अब जैसे आप सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केल एंड लेआउट तो ये जो स्केल एंड लेआउट है ना इसमें आपको आ जाना है और स्केल एंड लेआउट में आपको एयर पर स्क्रोल करना है और अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसकी साइज ऐप की साइज और जो आइटम्स है उनकी साइज यानी कि जो दूसरा सब कुछ है तो अब उन्हें चेंज करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एरो पे जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो जो मिनिमम साइज है वो है हंड्रेड परसेंट तो जैसे ही मैंने हंड्रेड परसेंट किया आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे आइकॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं अब जैसे हम इसे इस, बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर रेकमेंडेड है वन ट्वेंटी फाइव यानी कि नॉर्मल जो है वो वन ट्वेंटी फाइव के आसपास है और अगर हम वन सेवेंटी फाइव करते हैं तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा आइकॉन्स हमें दिखाई दे रहा है तो आप इसे जो है आइकॉन्स को चेंज कर सकते हो अभी हम फिलहाल के लिए वन फिफ्टी करते हैं और अगर हम वन फिफ्टी करने के बाद बैक करें ना तो आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ आप देख देखना कि ये जो आइकॉन्स है ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं अब फिर एक बार मैं यहाँ पर जा कर के फिर से हम वही रेकमेंडेड कर देते हैं वन ट्वेंटी फाइव ओके अब जैसे हमने वन ट्वेंटी फाइव कर दिया और भी कुछ सेटिंग्स है उनमें से ये है डिस्प्ले रेजोल्यूशन तो ये जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो अभी हमने जो है रेकमेंडेड है मैक्सिमम नाइनटीन ट्वेंटी तो हमने वही रखा है और उसके नीचे है डिस्प्ले ओरिएंटेशन तो ये जो है लैंडस्केप रखना है आपको पोर्ट्रेट रखना है या फिर जो है पोर्ट्रेट फ्लिप लैंडस्केप फ्लिप तो अभी हमने लैंडस्केप लैंडस्केप कर दिया है आपको भी यही रखना है और हम बैक कर देते हैं तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच